के कल नेशनल हेरल्ड केस में जो कांग्रेस ने और कांग्रेस के लोगों ने हाईकोर्ट में जो पिटीशन दाखिल करी थी उसका फाइनल वर्डिक्ट आना था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राहुल गांधी और क्योंकि सोनिया गांधी, ये सारे के सारे चोर उचक्के, इनको पता है कि इन्होंने चोरी करी है और जो वर्डिक्ट आएगा वो इनके अगेंस्ट ही आएगा। इसलिए इन्होंने कल 10 अप्रैल पे भारत बंद करवाया ताकि लोगों को डाइवर्ट किया जाए, लोगों तक ये न्यूज ना पहुंचे। पर क्योंकि ये लोग पप्पू, इसलिए इन्हें ऐसा लगता है कि सच्चाई जो है ये लोग छुपा पाएंगे, तो इन्हें इतना पता होना चाहिए कि आज के सोशल मीडिया के जमाने में सच्चाई छिप नहीं सकती। ये लोगों ने ये बात छुपाने के लिए कल भारत बंद रखवाया, हर जगह हिंसा करवाई, दंगे करवाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी को फूंक दिया, नुकसान करवाया, बेचारे भोले भाले लोगों को मारा पीटा इनके गुंडों ने, और बिहार में एक छोटी सी बच्ची की जान भी चली गई। ये लोग जो है, इन्होंने री असेसमेंट टैक्स ना हो इसके लिए इन्होंने पिटीशन दाखिल की थी जो कि खारिज कर दी गई। इनके इनकम टैक्स का रीअसेसमेंट हुआ जिसमें रियलिटी पता चली। मैं आपको ये पूरा सिनारियो समझाती हूँ और ये समझना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ये घोटालेबाज कांग्रेस क्यों इतनी तिल मिलाती है, क्यों इतने आरोप लगाती है। क्योंकि जब ये सत्ता में होती है तो इन्होंने इतने घोटाले करे हैं, इन्होंने इतने कांड करे कि इनको पता है कि मोदी के आने के बाद एक एक चीजें खुल रही है और इनके नकाब उतर रहे हैं। इसलिए ये लोग डिफेंस में आके अब ये खेल रहे हैं अपनी गेम। लेकिन आप लोगों का जानना जरूरी है कि इन्होंने ये एक्चुअली एनएच केस क्या था, कल इसकी सुनवाई क्यों थी, इन्होंने क्या पिटीशन करी थी, ये लोगों ने कहां चोरी करी, और उस चोरी को छुपाने के लिए इन्होंने कल कैसे 10 अप्रैल पर पूरे भारत में हिंसा मचाई। मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उर्फ वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा, ये जो चारों के चारों है ना, ये चारों की मिलीभगत है इन सब में। और मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा तो जो है वो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के मामले में इनकम टैक्स का ऑलरेडी इसको नोटिस गया हुआ है। एनएच पर राहुल गांधी को 3 बार इनकम टैक्स ने नोटिस दे दिया, इन्होंने 3 साल तक इस नोटिस का रिप्लाई नहीं किया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है ना, ये जो पूरा एनएच केस था ना, ये 5,000 करोड़ का पूरा पूरा गबन है, प्लस में इनकम टैक्स का गबन है जो कि 250 करोड़ का है। मैं आपको बताती हूँ कि 2011 और 12 में यंग इंडिया कंपनी से जो इनकम टैक्स जनरेट हुआ था वो इन्होंने गलत दिखाया। इन्होंने ये भी छुपाया राहुल गांधी ने कि यंग इंडिया कंपनी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी डायरेक्टर है, इन्होंने ये बात भी नहीं बताई। और मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असेसमेंट क्यों गलत तरीके से 2011-12 में किया गया। 2011-12 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया कंपनी ने इनकम टैक्स गलत दिखाया। इन्होंने इनकम टैक्स आईटी असेसमेंट 68 लाख का 2011-12 में दिखाया, जबकि रीअसेसमेंट करने के बाद में इसका टोटल फिगर आया 154 करोड़, 150 करोड़। कहां 68 लाख और कहां 154 करोड़। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस कितने की भेजी, इनको नोटिस भेजी गई है 249.15, यानी लगभग लगभग 250 करोड़ की। अब आप सोचिए कि मनमोहन कम इटालियन अम्मा की सरकार में जब ये लोग खुद कहां 68 का इनकम टैक्स असेसमेंट दिखा रहे हैं जबकि रियलिटी 154 करोड़ की है, और इनको इनकम टैक्स से नोटिस जाता है अप्रोक्स 250 करोड़ का, और इसी रीअसेसमेंट के लिए इन लोगों ने नेशनल हेरल्ड केस की हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी जो कि कल खारिज हुई है। ये इनके है ना नकाब उतरे हैं, इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, और ये जानना आपका जरूरी है, इसलिए मैं आपके सामने आई हूं ताकि आपको फैक्ट्स पता हो, क्योंकि मीडिया आपको ये फैक्ट्स नहीं बताएगी। इन्होंने क्या करा पता है राहुल गांधी ने, मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कि ये कैसे इन्होंने पूरा ये घोटाला और घपला किया। राहुल गांधी ने और इनके वकील ने पिछले हफ्ते हफ्ते आई एम सॉरी पिछले हफ्ते सॉरी पिछले महीने अगस्त में जब इसकी हियरिंग थी तब इन्होंने एक चीज ये कही कि क्योंकि ये तो सेक्शन 25 के अंतर्गत ये कंपनी आती है, तो इसके री इसका तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस बनता ही नहीं है, तो टैक्स का तो कोई मैटर होना ही नहीं चाहिए। एक बात इन्होंने ये कही है। इनके जैसे मूर्ख है ना, ये सबको समझते हैं, इनको लगता है कि जज का पैनल जो बैठा है वो भी मूर्ख है। दूसरा इन्होंने ये कहा राहुल गांधी ने, जो बड़ी अभिव्यक्ति की आजादी का ढोल पीटते हैं, जो बड़ी लोकतंत्र खतरे में है का ढोल पीटते हैं, जो बड़ा डेमोक्रेसी की बात करते हैं,
यही राहुल गांधी कोर्ट में ये कहता है कि आप मीडिया को कहिए कि इस केस से रिलेटेड कोई भी न्यूज ना तो छापे और ना दिखाए। तब कोर्ट इन्हें लताड़ती और इन्हें कहती है कि ये ना आपकी डिक्टेटरशिप यहाँ पे नहीं चलेगी। ये लोग सोचते हैं कि इंदिरा गांधी के वक्त की जो इमरजेंसी वाली डिक्टेटरशिप थी, ये डिक्टेटरशिप ये लोग यहाँ पे दिखाएंगे। फिर ये आरोप मोदी सरकार पर ये लगाते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, हमें बोलने से रोका जा रहा है, मीडिया को आजादी नहीं, पर आप खुद ही कोर्ट में ये बात कहते हो जो कि सब ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई अपने मन से नहीं कह रही हूं। कोर्ट में ये लोग ये कहते हैं कि मीडिया ये बात बाहर ना लाए, इसका आप ये सुनिश्चित करिए और मीडिया को ऑर्डर दीजिए कि मीडिया इस केस से रिलेटेड कुछ भी ना छापे या आप टीवी चैनल पर कुछ ना दिखाए। मैं आपको बताती हूँ राफेल डील पर ये लोग जो इतने सवाल कर रहे हो, और मैं आपको बता दूं कि राफेल डील पर हर बार मोदी सरकार ने और इनके मंत्रियों ने पूरे पूरे प्रूफ के साथ, पेपर वर्क के साथ में, ब्लैक एंड व्हाइट में सारे फैक्ट्स रखे हैं। यहां तक कि फ्रेंड्स के पीएम ने भी बोल दिया है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है, कोई बोफोर्स की तरह किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है कि इसमें कोई गबन करने का या कोई भ्रष्टाचार करने का या करप्शन करने का कुछ मतलब की सीन हो सकता है या बन सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि यंग इंडिया कंपनी जो है ये राहुल गांधी, देखो तीन चीज समझनी पड़ेगी, ये तीनों कनेक्ट है, एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी यंग इंडिया कंपनी और तीसरी एजेएल लिमिटेड। ये तीनों पार्टी आपस में कनेक्ट है और कैसे एनएच स्कैम हुआ वो मैं आपको अब समझा रही हूं। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत चीजें कंफ्यूजिंग है और आपको कंफ्यूज करेगी, इसलिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। यंग इंडिया कंपनी एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो इन्होंने अब तक बात छुपाई थी, जो कि बाद में कोर्ट में केस गया तब पता चला कि यंग इंडिया कंपनी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी डायरेक्टर है। 76% शेयर जो है, शेयर होल्डर है वो राहुल गांधी है और 24% की शेयर होल्डर जो है वो सोनिया गांधी है। मात्र 5 लाख रुपए में ये कंपनी खोली जाती है, मात्र 5 लाख रुपए में। फिर क्या करती है ये कंपनी, ये यंग इंडिया कंपनी यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी डॉटेक्स नाम की एक कंपनी से 1 करोड़ रुपए फाइनेंस लेते हैं, 1 करोड़ का मतलब लोन लेते हैं। ये जो डॉटेक्स नाम की कंपनी है, DOTEX, ये कंपनी जो है, जो प्रूव हो गया है कि ये जो कंपनी है वो हवाला कंपनी है, ये ऑन रिकॉर्ड है और हर जगह है, यानी हवाला कंपनी से ये 1 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, 50 लाख देकर ये जो है एजेएल को खरीद लेते हैं, 5 लाख रुपए से कंपनी शुरू करते हैं, 1 करोड़ का लोन मार्केट से उठाते एक हवाला कंपनी से, फिर 50 लाख में एक एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो एक कंपनी है उसको ये लोग खरीदते हैं। और ये एजेएल क्या है, ये एजेएल वो कंपनी है जो नेहरू जी ने शुरू करी थी, ये नेहरू जी की कंपनी है। और ये नेशनल हेराल्ड क्या है, ये नेशनल हेराल्ड कह लीजिए तो एजेएल का या तो क्लोन आप समझ लीजिए, या समझ लीजिए कि इसकी पेरेंट बॉडी है जो एजेएल के अंतर्गत काम करती है, यानी कि एजेएल कंपनी के अंतर्गत एनएच कंपनी काम करती है। अब मैं आपको ये समझा रही हूं कि यंग इंडिया कंपनी कैसे इनके साथ में कनेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यंग एजेएल कंपनी होती है, उस एजेएल कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है 90 करोड़ रुपए की। ये एजेएल कंपनी क्या करती है, 90 करोड़ लेने के लिए बहुत सी कोशिश करती है, इसको मार्केट से कहीं से 90 करोड़ मिलते नहीं है। इस एजेएल कंपनी के डायरेक्टर कौन है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा, ये जो चारों ये इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, इनको पड़ती है 90 करोड़ के लोन की जरूरत। ये क्या करते हैं, एजेएल कंपनी के मोतीलाल वोरा को एजेएल कंपनी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी डायरेक्टर ये कहते हैं कि आप एक काम करो, आपको 90 करोड़ की जरूरत है, आप कांग्रेस पार्टी के पास जाइए, वो आपको 90 करोड़ का डेफिनेटली लोन देगी। अब मैं आपको बताती हूं कि कांग्रेस पार्टी में ट्रेजरर कौन थे उस वक्त में, मोतीलाल वोरा, यानी एजेएल कंपनी के मोतीलाल वोरा कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर मोतीलाल वोरा के पास जाते हैं, किसकी इंस्ट्रक्शन से, एजेएल कंपनी के डायरेक्टर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इंस्ट्रक्शन से। कांग्रेस में उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थी, सोनिया गांधी, और राहुल गांधी अभी भावी प्रेसिडेंट है। तो ये जो मोतीलाल वोरा है वो कांग्रेस पार्टी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम बड़ी तकलीफ में हैं, हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो कह रहे हैं कि आप हमें 90 करोड़ का लोन दीजिए, हमारी शाख रखिए, क्योंकि ये कंपनी जवाहरलाल नेहरू ने शुरू करी थी और ये इज्जत की बात है, अगर आप हमें 90 करोड़ नहीं देंगे तो हमारी कंपनी जो है वो डूब जाएगी। तब जो ट्रेजरर है कांग्रेस पार्टी का यानी मोतीलाल वोरा,
वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास जाके कहते हैं कि एजेएल के मोतीलाल वोरा हमारे पास आए, एजेएल के सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इनको हमारे पास भेजा है कि हम इनको 90 करोड़ की मदद दें क्योंकि ये नेहरू जी की कंपनी है और अगर हम इन्हें नहीं देंगे तो कंपनी डूब जाएगी और हमारी नेहरू जी की जो है वो इज्जत चली जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी 90 करोड़ की लोन के लिए अप्रूवल देते हैं मोतीलाल वोरा को, ट्रेजरर को। कांग्रेस पार्टी के मोतीलाल वोरा जी जो उस वक्त ट्रेजरर थे, उन्होंने 90 करोड़ रुपए निकालकर एजेएल कंपनी के मोतीलाल वोरा को दे दिए कि जाओ ये 90 करोड़ जाकर आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो एजेएल कंपनी के डायरेक्टर है उनको दीजिए और अपनी कंपनी बचा लीजिए। मोतीलाल वोरा जी जो है वो 90 करोड़ लेके जाते हैं। कुछ वक्त हो जाता है, फिर कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी डंडा चलाते हैं एजेएल कंपनी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कि हमने जो तुम्हें 90 करोड़ दिए वो प्लीज तुम हमें लौटाओ 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 और अगर नहीं लौटाओगे तो हम ये करेंगे हम वो करेंगे और उनको प्रेशर करती है। इनके प्रेशर से एजेएल कंपनी बड़ी टेंशन में आ जाती है। मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा कांग्रेस वाले एजेएल कंपनी के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा इन तीनों को प्रेशर करते हैं कि हमने जो तुम्हें 90 करोड़ का लोन दिया है वो तुम हमारा बकाया हमको चुकाओ, जो कि ये चुकाने में असमर्थ होते हैं। और एजेएल कंपनी ये कहती है कि भैया हम लोन नहीं चुका सकते, हम हाथ खड़े कर रहे हैं। मीनवाइल कुछ वक्त बाद एक यंग इंडिया कंपनी का जन्म होता है। मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन पहले ही बता दिया कि ये यंग इंडिया कंपनी जो है वो सिर्फ 5 लाख में खड़ी होती है। और इस यंग इंडिया कंपनी का जब कोर्ट में केस गया तब पता चला कि इसके भी जो डायरेक्टर है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मतलब ये जो चौगड़ी है ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये तीनों जगह है। ये कांग्रेस में भी है, ये एजेएल कंपनी में भी है और ये यंग इंडिया कंपनी में भी है। फिर क्या होता है, यंग इंडिया कंपनी की जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है वो यंग इंडिया कंपनी के ही जो एक डायरेक्टर है, और मैंने आपको ये बता दिया कि यंग इंडिया कंपनी के 76% के शेयर होल्डर है राहुल गांधी और 24% के शेयर होल्डर है सोनिया गांधी। तो ये मोतीलाल वोरा जी को कहते हैं, जो कि अगेन डायरेक्टर है यंग इंडिया कंपनी के, कि आप एजेएल कंपनी का, हमने ऐसा सुना है कि थोड़ा सा मतलब बड़ी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में, आप जाओ और पता करो इनको दिक्कत क्या है। तब यंग इंडिया कंपनी के मोतीलाल वोरा एजेएल कंपनी के मोतीलाल वोरा के पास जाते और कहते कि सुनने में आया है कि आप बड़े मार्केट में क्राइसिस में चल रहे, बड़ी दिक्कत है आपको। तो जो एजेएल कंपनी के मोतीलाल वोरा है वो कहते हैं कि हाँ भैया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मैं, हम तीनों बड़े परेशान हैं क्योंकि हमने कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास में 90 करोड़ रुपए का बकाया जो हमारे ऊपर चढ़ गया है हम वो चुका नहीं पा रहे हैं। तब यंग इंडिया कंपनी के मोतीलाल वोरा कहते कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारे कंपनी के जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उन्होंने मुझे आपके पास में भेजा है और कहा है कि आप ये 90 करोड़ नहीं चुका सकते तो कोई बात नहीं, आपका जो 3 लाख शेयर्स है जिसकी मैं आपको बता दूं कि जिसकी जो मार्केट प्राइस है वो भी आप छोड़ दीजिए, जिसकी जो बेसिक प्राइस है, जो बिड प्राइस है, उससे भी कम दाम में इन्होंने 50 लाख रुपए की ऑफर करी। इन्होंने ये ऑफर करी कि आपके जो 3 लाख शेयर्स है वो आप हमें 50 लाख में दे दीजिए। ये यंग इंडिया कंपनी कह रही है एजेएल लिमिटेड को, और आपका जो 90 करोड़ होगा वो हम लोग दे देंगे कांग्रेस को, वो हमारे बीच की बात है। एजेएल बड़ा खुश हो जाता है कि वाह, हमको तो जान छूट गई मतलब। तो क्या होता है कि जो मोतीलाल वोरा है एजेएल के, वो कहते हैं कि चलो डन है, आप हमें 50 लाख दो और आप ये कंपनी अपने पास में रख लो। 5 लाख में यंग इंडिया कंपनी चालू होती है, यंग इंडिया डोटेक से 1 करोड़ रुपया फाइनेंस लेती है एक हवाला कंपनी से। कैसे ये पूरा हवाला का धंधा चला मैं आपको बता दूं कि ये जो यंग इंडिया कंपनी है ना, ये इसके थ्रू ही पूरे हवाले का धंधा रोटेट होता था। इसलिए ये डीमोनेटाइजेशन पे क्यों इतने चिल्लाए, क्यों इनको अभी तक डीमोनेटाइजेशन पे इतना पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि इनके हवाले के जो धंधे थे वो सारे बंद हुए, इनके जो है ना बहुत बड़ा इनको धंधे करते थे। फिर क्या हुआ, इन्होंने 50 लाख रुपए दिए और मोतीलाल वोरा जो एजेएल कंपनी मोतीलाल वोरा है वो सारे पेपर्स लिखा पढ़ी करके यंग इंडिया कंपनी के मोतीलाल वोरा को देता है कि प्लीज आप ये लेके जाओ, एजेएल के राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने साइन करके दे दिए। अब यंग इंडिया कंपनी के मोतीलाल वोरा उस कंपनी के नए मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास जाते हैं और उनको वो पेपर्स देते हैं। अंदर अंदर सब जगह सोनिया गांधी, राहुल गांधी डायरेक्टर है, कंपनी फिजिकल है ही नहीं, सिर्फ कागजों पर है और लोगों को उल्लू बनाया, मार्केट से लोन उठाई, बैड डेट्स दिखाए, लिस्टेड कंपनी को कम प्राइस में इन लोगों ने उसके शेयर्स खरीदे और लोगों का 5000 करोड़ रुपए का गबन किया। अब ये जो एजेएल कंपनी है ना, किस कंपनी के पास में है,
5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। कैसे है ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, लखनऊ में, दिल्ली में, भोपाल में, ये बहादुर शाह जफर रोड है ना, यहां पर इनकी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी है। यंग इंडिया कंपनी ने क्या किया, यंग इंडिया कंपनी ने 3 लाख शेयर्स 50 लाख में खरीद लिए, 90 करोड़ पूरा उनका हो गया और 5,000 करोड़ का पूरा पूरा गबन हो गया। अब आप ये सोचिए कि ये लोग 5,000 का गबन करते, इतना बड़ा षड्यंत्र रचते, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। नेशनल हेरल्ड केस 4 साल से यूं का ही चल रहा है, इन्होंने एक बार भी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं दिया। ये जो एनपीए एनपीए करते हैं ना, ये क्या है एनपीए आपको पता है? ये वो एनपीए जिसके ऊपर कल रघुराम राजन ने लोकसभा में लेटर लिखकर ये बात कबूल भी करी है और उन्होंने शिकागो से टीवी चैनल पर लाइव आकर ये कहा भी है कि इन्होंने 2006 से ये लोग, उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर है पी चिदंबरम, उनको बार बार कहा था कि ये एनपीए हो रहा है, एनपीए हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, आप इसमें देखिए। मगर चिदंबरम साहब वो उन्होंने उनको तो मतलब अपने जो रिश्तेदार है, अपने करीबी है, उनको लोन देनी थी, वो लोन इसी तरह से आती नहीं थी। कैसे होता था? इसी तरह से होता था, प्रॉपर्टी सारी पड़ी है, कागजों पे डेब्ट्स दिखा रहे हैं, रिकवरी हो नहीं रही है, इनके एसेट्स जब्त नहीं किए। इनके एसेट्स किसने जब्त करे? मोदी जी ने जब्त करे, नीरव मोदी के एसेट्स, माल्या के एसेट्स, चौकसी के एसेट्स। ये लोग जो भाग कर गए हैं, इनको एनपीए दिया किसने? ये एनपीए हुआ कैसे? लोन किसने दी थी उस वक्त? अब ये लोग सारा ठीकरा मोदी जी पर फोड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रही हूं कि ये किस तरह से ये पूरा ये लोग षड्यंत्र रचते हैं। रघुराम राजन ने ये कह दिया कि मैंने इन लोगों को बहुत आगाह किया था, इवन मैं आरबीआई में बैठा हूँ, सारी जो बैंक है वो अपने अंदर अलग से प्राइवेट बॉडीज होती है जो काम करती है, उन बैंकों को मैंने कहा था कि आप जितने भी एनपीए है उनके एसेट्स जब्त करिए। इन बैंकों ने काम नहीं किया, समहाउ इनको पॉलिटिकल प्रेशर आया, जो कि इसने साफ साफ कहा है। और रघुराम राजन ने यह भी कहा कि अब ये लोग सारा ठीकरा मेरे पर फोड़ रहे हैं, जबकि मैंने ऑलरेडी आगाह किया था। पॉलिसी पैरालिसिस क्यों हो गया था 10 साल 2004 से 2014, उस रघुराम राजन ने कहा था, रीजन सिर्फ दो है उन्होंने जो कल कहा। पहला रीजन उन्होंने कहा स्कैम्स, इतने स्कैम्स हो गए थे कि नई लोन इशू ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था। दूसरा एनपीए, इतने ज्यादा एनपीए हो गए थे और इतने एनपीए होने के बाद भी उनसे पैसा वसूलने की जगह या उनकी एसेट्स जब्त करने की बजाय उन लोगों को एडिशनल फैसिलिटीज के साथ उनकी लोन को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा था। ये सारे गबन ये लोग करते हैं और जब इनसे हम पूछते हैं ना तो ये आप लोगों को डाइवर्ट कर देंगे। ये आपको कैसे डाइवर्ट करेंगे? ये आपको पेट्रोल प्राइस में डाइवर्ट करेंगे, ये आपको हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट करेंगे, ये आपको जुनेद अखलाक में डाइवर्ट करेंगे, ये आपको लोकतंत्र खतरे में डाइवर्ट करेंगे, ये आपको जज खतरे में है इसमें डाइवर्ट करेंगे, ये आपको माइनॉरिटी खतरे में है इसलिए डाइवर्ट करेंगे, ये आपको दलित खतरे में उस मुद्दे पे डाइवर्ट करेंगे, ये आपको एससी एसटी और जनरल में डाइवर्ट करेंगे, ये आपको ब्राह्मणवाद और दलितवाद में डाइवर्ट करेंगे। जब जब आप इनसे सवाल करोगे ना और जब जब आपको लगेगा कि ये चोरी इनकी पकड़ी गई है, तब ये देश को किसी और मुद्दे पे ले जाते हैं और ये देश को रियल मुद्दे से भटकाकर किसी और मुद्दे की ओर धकेल देते हैं। तो मैं आपको अब ये बात जो मैं समझाने आई थी वो मैंने समझाने की कोशिश करी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। इन चोरों को सवाल करिए कि ये आप लोगों ने क्या किया, ये जो पूरा स्कैम था इस पर आप लोग क्यों नहीं सफाई देते हो? हम लोग, मोदी सरकार ने तो हजारों दफे राफेल पर आकर सफाई दे दी, इन्होंने एक भी बार कॉमनवेल्थ गेम पे सफाई दी? नेशनल हेरल्ड केस में सफाई दी, अगस्ता वेस्टलैंड में सफाई दी, रॉबर्ट वाड्रा पर इनकम टैक्स की अभी नोटिस गई है उस पर इन्होंने सफाई दी, इन्होंने इतने जमीन घोटाले की उस पर इन्होंने सफाई की, इन सफाई दी, इन्होंने कहीं आपको सफाई नहीं दी है। तो इनको बोलिए कि जब आप किसी और पर प्रश्न करते हैं तो फिर आपको भी जवाब तो देने पड़ेंगे जब आपसे प्रश्न करते हैं, मगर हम जब इनसे प्रश्न करते हैं ना तो ये हमारे जैसे लोगों को ब्लॉक करवा देते हैं, हमारी आईडी को ब्लॉक करवा देते हैं, हमें सस्पेंड करवा देते हैं, हमें धमकियां भी देते हैं ये लोग। तो मैं इन लोगों से ये सवाल करती हूँ कि ब्लॉक करके आप भाग नहीं सकते हो, अगर आपको सत्ता में आना है तो जनता को तो जवाब देना पड़ेगा। ये कोई देश आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप इसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझकर, अपनी जागीर समझकर आपको लगता है कि आप जो मन मर्जी कर ले। 5,000 करोड़ का आपने एनएच का गबन कर लिया, गरीबों के पैसे खा गए आप 5,000 करोड़, और फिर आप ये कहते हो कि आपको कोई सवाल भी ना करे क्योंकि ये देश आपको लगता है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो ये तो नहीं होगा, जवाब तो देना पड़ेगा। जनता जागरूक हो गई है, सवाल भी करेगी, मोदी सरकार से भी करेगी और कांग्रेस पार्टी से भी करेगी और हर किसी से करेगी।
जवाब देना आपका फर्ज है, आप ब्लॉक करके भाग नहीं सकते। मेरा बस यही था, आपका अगर कोई है तो आप प्लीज बताइए, आपके कोई भी सवाल है तो मैं आपके सवाल डेफिनेटली आज लूंगी। पर इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये कैसे उल्लू बनाते, इनको लगता है कि पूरा देश पप्पू है और ये देश को उल्लू बनाएंगे, तो ये तो कतई होने नहीं देंगे। और हम जैसे लोग जो है ना, जो स्मार्टली खेलना अच्छे से जानते हो, जिसको आंकड़े वाकड़े सब अच्छे से पता होते, इनको लगता है कि फिर ऐसे लोगों को हम क्या रस्ते से हटा देते ताकि इनकी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचे नहीं। मीडिया को पैसे देके चुप करा दिया, हम जैसे लोगों को ब्लॉक और सस्पेंड करके चुप करवा देते हैं। तो ये जो ये हरकतें करते हैं ना, वो तो इनको बंद करनी पड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी के गुलामों सुन लो अच्छे से, छोड़ने वाली नहीं हूं। मैंने कहा था गलत इंसान से पंगा ले लिया, मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, जनता का सपोर्ट मेरे साथ में। और तुम लोगों को तो मैं एक्सपोज करके ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं, इतना याद रखना। अरे यार कुछ सवाल कर लो भाई, ये आपस में आप लोग इस वक्त मत लड़िए, लड़ने के लिए आप ट्विटर पर आइए। क्यों आपको ट्विटर पर ब्लॉक किया है मैम? एक्चुअली मुझे ट्विटर पर नहीं, मुझे फेसबुक पे ब्लॉक किया गया है। मैं 30 दिन के लिए अपनी आईडी से सस्पेंड हूं, मैं अपनी बात नहीं रख सकती हूँ। और फेसबुक पर मैं, ट्विटर पर मैं जिन लोगों से सवाल करती हूँ, वो लोग मुझे पर्सनल ब्लॉक कर लेते हैं, ताकि क्योंकि उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं होते, इसलिए वो ब्लॉक करके भाग जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है, जब आपकी है तो हमारी क्यों नहीं है? तो फिर हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को आप सस्पेंड क्यों करते हैं, ब्लॉक क्यों करते हैं? अगर गट्स है तो सामना करिए ना, मतलब फेयर होके लड़िए ना, ये क्या तरीके है? तब तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा खौफ इतना है कि आप लोग मुझे ब्लॉक करते हो, मेरी आईडी सस्पेंड करवाते हो, मेरी बल्क रिपोर्ट करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरा वो खौफ पहुंच गया है कांग्रेस के और 10 जनपद के कार्यालय पे। 10 जनपद है ना दोस्तों, ये फैक्ट्री है घोटाले की, यहां पर है ना सारा घोटाला कैसे करना है उसके आइडियाज पनपते हैं। नेशनल हेरल्ड में आपको बहुत छोटा केस बताया, और जो बहुत छोटी अमाउंट है, सिर्फ 5,000 करोड़ की, इन्होंने क्या क्या गबन किए है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते। और किस तरह से किए ना, ये आप आइडिया ही नहीं लगा सकते। मतलब वही कह रही हूँ, विदेश में आपने सही बोला, ये लोग बैठ के सिर्फ जनता को भड़काते हैं। आफ्टर बंद, अब बंद में इन्होंने क्या किया, इतनी हिंसा कर ली, दंगे कर लिए, जो बेचारा आम इंसान अपने काम पर जा रहा है उसको मार रहा है, 2 साल की बच्ची की मौत हो गई, इस पर ये जवाब नहीं देंगे। इनको करिए सवाल कि आप जिस गांधी जी के सत्याग्रह, आरक्षण, बंद, जिस गांधी जी की दुहाई देते हो और जिनकी सरनेम चोरी करके आप लोग बैठे हो, आप तो उनके ही आदर्श छोड़ दिए हो। उन्होंने तो अहिंसा का रास्ता अपनाया था, आप हिंसा का रास्ता अपनाते हो। आप छोटे बच्चों की स्कूल की बसें नहीं छोड़ते, ड्राइवर और उस बस में जो हेल्पर थी उन पर आप लोगों ने पत्थर फेंके, बस के कांच तोड़ दिए, प्राइवेट टैक्सियों के कांच तोड़ दिए, उनको नुकसान पहुंचाया, आगे लगाई बस को, इतनी हिंसा करी, तो आप लोग सवाल क्यों नहीं करते हो इन लोगों से? अभी भी मैं कह रही हूं, डिफेंसिव मत बनो, अटैक करो इन पे, इनको सवाल करो, इन पर दागो सवाल। इनको पता होना चाहिए कि जनता वो मूर्ख नहीं रही, जैसे इन्होंने 1947 से इनका पूरा परिवार जनता को जो मूर्ख बनाता आया है। फेसबुक ट्विटर सर कंट्रोल बाय लेफ्टिस्ट, सही बात है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर भाजपा के पास में सत्ता है और भाजपा पावर में है, तो ये भाजपा के आईटी सेल वालों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बड़े अकाउंट्स उड़ रहे हैं या ब्लॉक हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और अगर ब्लॉक हो रहे हैं तो उनको फिर से अनब्लॉक करवाओ, सस्पेंड है तो वो आईडी वापस लाओ। ये उनका कर्तव्य है और ये हम सबको एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम वॉलंटियर्स जो है, हम तन मन और धन तीनों से भाजपा को सपोर्ट करने में, मोदी जी को सपोर्ट करने में लगे। और मैं बड़ी बिंदास कहती हूँ, हाँ मैं सपोर्टर हूँ भाजपा की, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा लाख गुना तुम लोगों से तो बेहतर है, कांग्रेस से तो लाख दर्जे बेहतर है, कम्युनिस्ट से बेहतर है, ओवैसी से बेहतर है, ममता से बेहतर है, मायावती मुलायम से बेहतर है, इसलिए मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। तो हर तरह से भाजपा इन लोगों से बेहतर है, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर भाजपा आईटी सेल, जो भी बड़े अकाउंट्स है या जो बड़े इन्फ्लुएंसर है या जिनके 25,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है, उनके अकाउंट्स नहीं बचा पाती है, तो इसमें आने वाले चुनाव में डेफिनेटली लॉस होगा। क्योंकि हम जैसे लोग जो आवाज पहुंचाते और जो सच्चाई लाते हैं सही तरीके से लोगों तक, वो बंद हो जाएगी तो कैसे पहुंचेगी? मेरे साथ में सपोर्ट है आप सबका, तो मुझे इतनी बार ब्लॉक करने के बाद भी मेरी आवाज वायरल हो जाती है, पर हर किसी की तो नहीं होती ना। तो हमें भी ये एश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे लोगों की आईडी बचे। जब सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो सबका साथ होना ही चाहिए, और सबको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होनी चाहिए।
पर अफसोस है कि कुछ लोग ये बात नहीं समझ पा रहे। नोटबंदी में कौन मर रहे हैं आप मुझे बताओ ना, मलिक हबीब साहब आप उनके घर जाओ ना, आप मुझे प्रूफ तो दो कि इस बंदे की मौत जो है वो नोटबंदी से हुई है। कौन से डॉक्टर ने ऐसा सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि इसकी मौत नोटबंदी से हुई है? ये जो है ना ये मदरसा छाप बात है ना, आप मेरे सामने मत करो, तर्क रखो, एक फैमिली का नाम दे दो जिसकी जो ये प्रूव करता है कि नोटबंदी की वजह से इसकी मौत हुई है। आप बताओ ना कल जो 2.5 साल की बच्ची की मौत हुई कौन है उसका जिम्मेदार? कांग्रेस के गुंडों ने चक्का जाम करके रखा, ट्रैफिक जाम करके रखा, एम्बुलेंस को आगे बढ़ने नहीं दिया और उस बच्ची की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार? मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।